Hello and welcome to this online class. This is our first class and second year में जब आप आते हैं तो आपको third semester में जो subjects हैं वो आपको थोड़े से electrical के पढ़ने पड़ते हैं. इन्हीं electrical वाले subjects में एक और subject होता है जो होता है mechanical engineering का, जिसे हम fundamental of mechanical engineering बोलते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपके एफएमई, जो हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मैकेनिकल साइड का सब्जेक्ट है. बट ड्यू टू कोर ब्रांचेस हमको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइमल्टेनियसली दोनों का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए. अगर फिर भी हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो भी मैकेनिकल को हम थोड़ा सा जानेंगे ज़रूर. तो ये जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला गया है ये इसीलिए ही डाला गया है क्योंकि आपको फंडामेंटल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लियर रहे. तो आज हम लोग जो ये पहला लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा ये, और हम देखेंगे कि कैसे और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा हम कुछ और भी बातें करेंगे अबाउट द एफएमई सब्जेक्ट. आई वेलकम वंस अगेन यू ऑल टू दिस चैनल that is the polytechnic you can say a very useful classes this is going on, so I hope you all will join. So let's start our today's lecture. First thing ki aapko yaad rakhna hai ki there are no shortcuts to success. Ye ek tagline rahega kyunki success agar aapko pana hai to uske liye koi bhi shortcuts nahi hota. उसके लिए आपको पूरा जो वे है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अपने बेसिक्स को वहाँ स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ेंगे तब आपके क्या हो जाएंगे, आगे का जो आने वाला सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे फर्दर स्टडीज़ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे. सो देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. देन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. सबसे पहले ये बात आती है कि एक स्टूडेंट को जो कि पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट है और टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है उसको क्या करना चाहिए, कि इम्पॉर्टेंट क्या है. देखिए ये सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहूँगा क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है और इसे सबको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि यदि हम कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ने के लिए बैठें तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं जिनको हमको देख करके अपनी तैयारी या अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का हो. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहली बात सिलेबस, देन सेकेंड वन इज़ पी वाई क्यूज एंड थर्ड वन इज़ नोट्स. पी वाई क्यूज क्या है मैं आपको बताऊँगा. फर्स्ट हम बात करें सिलेबस की, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम दिलाने से पहले आपको उसका सिलेबस थॉरो होना चाहिए. कौन सी बातें उसमें दी गई है, कितने यूनिट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं वहाँ, और हर यूनिट का इम्पॉर्टेंस क्या है, कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से यूनिट के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, और कम बोलने का मतलब कि उसके मार्क्स का जो वेटेज है वो कितना है. देन बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. पी वाई क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पी वाई क्यूज जो होंगे वो होंगे आपके कि पिछले साल के जो पुराने पेपर्स हैं वो अगर मेरे पास हैं और सिलेबस को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है तो मुझे बहुत ही आसानी से उसे डिकोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है और उस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, बार बार रिपीट कौन सा टॉपिक हो रहा है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यदि आपके पास हैं देन आपने 50% जो है अपना बैटल जो है वो जीत लिया. देन थर्ड वन इज नोट्स. नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स क्योंकि हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करिए जाते हैं, जो जैसा कि आप सबको पता ही है, आपने फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही सिलेबस को फॉलो किया होगा, नोट्स मिले होंगे आपको. तो यहाँ पर जो नोट्स की बात है वो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराए जाएंगे. हर यूनिट के ख़त्म होने के बाद आपको वो नोट्स दिया जाएगा या यूनिट शुरू होने से पहले भी किसी किसी कंडीशन में जहाँ पर ऐसा लगेगा कि
जो क्लास है वो बिना नोट्स के, आपको सामने नोट्स रखना जरूरी है, तो वहां पर मैं आपको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि ये तीन चीज आप अच्छे से कर लेते हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जंग जीत ली। 100% आप अच्छा स्कोर ला करके अपने सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने बेस को स्ट्रांग करेंगे। और तीसरी चीज, यदि आपका बेस स्ट्रांग है और आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आप आसानी से अपने फर्दर स्टडीज या जॉब के लिए जा सकते हैं। तो न केवल आपका ये इस प्रेजेंट में काम आएगा, बल्कि आपके फ्यूचर के लिए भी ये स्ट्रेटजी आपको काम आएगी। तो आपको हर सब्जेक्ट को हर सेमेस्टर में इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद जब आप सिलेबस को अगर चेक करेंगे, तो आपको नया चीज लगेगा। क्यों नया लगेगा? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से हम अपने कोर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आप अगर बात करें, तो आपके कोर सब्जेक्ट्स यहाँ चालू हो जाएंगे, अलोंग विद दिस एफएमई। एफएमई जो है वो आपको मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। देन हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो होता है वो हर चीज का, आपकी पढ़ाई का पहला चरण होता है। यदि आपको सिलेबस है, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, तब आप बहुत अच्छे से आगे की अपने जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड की अगर बात करूँ, तो ये लिंक आपको मैं दे दिया हूँ। ये लिंक के जरिए आप वहाँ पर आराम से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, csvtu.ac.in में जा करके। आप सभी को पता होगा, तो वहाँ से आप जरूर, पहले तो पहला काम ये कीजिए कि सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना एक वैसे ही होता है जैसे कि किसी मंजिल में जाने के लिए आपको उसका रास्ता ही पता ना हो। तो अगर आपको रास्ता ही पता ना होगा, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सिलेबस को सबसे पहले आप डाउनलोड करके रख लीजिए। देन अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो हमारा जो सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें फ्यूचरिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल साइड का सब्जेक्ट होता है। फिर भी कोर सब्जेक्ट होने के कारण हमें इसे पढ़ना जरूरी है, और बेसिक नॉलेज एक होना चाहिए। जस्ट फंडामेंटल है, कोई भी बहुत ज़्यादा डीप में एप्लीकेशन आपको नहीं दिया गया है, तो इजी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कोड की अगर बात करें, तो 2243137, ये आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। जब आप एग्जाम देते हैं, तो आप सब्जेक्ट कोड को वहाँ भरते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड आवर्स। आपके सिलेबस का ही पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेबस के अगर आपको अच्छा नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज अगर है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिलेबस में कौन सा नॉलेज होना चाहिए, किस पर्टिकुलर यूनिट में कितने नंबर आपको असाइन हुए हैं फ्रॉम योर सिलेबस। तो जब सिलेबस बनाया जाता है, तो हर पर्टिकुलर यूनिट के लिए कुछ आवर्स डिसाइड किए जाते हैं और कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, और 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ टोटल 8 यूनिट्स हैं, या चैप्टर्स हैं बोलिए आप, 8 यूनिट्स बोलिए। तो ये 8 यूनिट्स के आप मार्क्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन राइट हैंड साइड के कॉलम में देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें, तो उसमें 10 मार्क्स हैं, देन सेकेंड यूनिट में भी 10, थर्ड में भी 10, लेकिन फोर्थ यूनिट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आप देखेंगे कि 15 मार्क्स का है। फिफ्थ यूनिट अगेन 10 मार्क्स, सिक्स अगेन 10 मार्क्स, लेकिन सेवेंथ यूनिट अगेन 15 मार्क्स, एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज थर्मोडाइनेमिक्स, वो सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स का है, दैट इज 20 मार्क्स। तो यदि आप पूरे सिलेबस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कैरिंग यूनिट है, वो है आपका लास्ट यूनिट, दैट इज थर्मोडाइनेमिक्स। तो यहाँ पर आप जरूर से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस यूनिट को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आप उसके पढ़ने के लिए आप बाकी के यूनिट्स को छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके केवल वो 20 मार्क्स दिलाएगा थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन बाकी के 80 मार्क्स जो है वो आपको 7 चैप्टर्स और जो बचे हैं वो दिला सकते हैं। तो यदि आपको लगे कि कोई सा चैप्टर मेरे लिए कठिन है, तो उस चैप्टर को आप लास्ट में पढ़िए,
जो सबसे इजी चैप्टर हैं और जो स्कोरिंग चैप्टर हैं उनको आप पहले देखिए। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और नंबर ऑफ आवर्स की आप चिंता ना करें, वो हम आराम से आपको सिलेबस में पढ़ते हुए करा देंगे। और यदि आपको सिलेबस को डिटेल में देखना है तो आप पहले उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेम ऑफ द यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है, ये हम थोड़ा सा ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। सबसे इजी यूनिट बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़नी है। सिंपल सा आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बोलने का मतलब उनकी जो उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। और याद ये रखना है कि आपको पूरा के पूरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। देन सेकेंड पार्ट जो है वो है इस यूनिट का टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। टेस्टिंग जो होगी वो मटेरियल्स की टेस्टिंग होती है। सपोज आपने एक ब्रिक लिया, उस ब्रिक को आपने एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टेस्टिंग मशीन होता है जिसे हम बोलते हैं UTM, उस UTM के बीच में आपने रखा और उसके ब्रेक टेस्ट किया या फिर उसका टेंसाइल टेस्ट किया, बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स में आपको पढ़ना है जो आपको टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के करने हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर, यदि हम बात करें तो वो है मटेरियल्स। मटेरियल्स जो होंगे वो मैकेनिकल मटेरियल्स होंगे, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो मैकेनिकल में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ हम बहुत सारे अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस भी हम वहाँ देखेंगे। देन थर्ड वन इज मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है? तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो हमें मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। आपने केमिस्ट्री में इसे जरूर पढ़ा होगा। मेटलर्जी का मतलब होता है धातुकर्म, और ओर से मतलब खान से आप यदि धातु, या आप बोले कि मिनरल से आप मेटल को अलग करें, वो प्रोसेस मेटलर्जिकल प्रोसेस में काउंट होता है और उसी को ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ना है। देन फोर्थ चैप्टर इज फ्लूइड मैकेनिक्स। द्रव्य का जो यहाँ परिभाषा है वो आपको देखनी है, फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, और उसके मैकेनिक्स की चर्चा यहाँ करेंगे। आपने इंजीनियरिंग में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, वैसे यहाँ आपको फ्लूइड के मैकेनिक्स को पढ़ना है। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारे थ्योरम्स देखने को मिलेंगे, कुछ डेरिवेशंस भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। देन फिफ्थ चैप्टर इज पंप एंड वाटर टर्बाइन। बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रिलेटेड है। पंप्स आप सभी को पता होगा, बहुत सारे पंप्स आप देखते हैं घर में लगे होते हैं, आपके घर में भी बहुत सारे टाइप के पंप्स लगे होते हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पंप और मोटर, हम जनरली मोटर्स बोल देते हैं लेकिन मोटर और पंप में बहुत डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है। लेकिन जो अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो लगभग सेम होता है, बट इसकी वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो थोड़ी सी अलग है। देन हम टर्बाइन की बात करें तो वाटर टर्बाइंस आपको पढ़ना है। वाटर टर्बाइंस में आपको कौन कौन से टर्बाइन हैं ये आपको देखना है, उसमें टाइप्स ऑफ टर्बाइंस पढ़ेंगे। टर्बाइन वो होता है जो पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। टर्बाइन के बाद आपका जनरेटर कनेक्ट होता है और इसी जनरेटर से ही क्या होती है, बिजली जनरेट की जाती है। देन सिक्स्थ चैप्टर इज पावर ट्रांसमिशन। अगर पावर जनरेट हुआ है तो पावर को भेजना भी पड़ेगा, और ये जो पावर होगा ये मैकेनिकल पावर होगा। तो उसको जब हम संचरित करते हैं, भेजते हैं, तो पावर को भेजने का शक्ति संचरण के लिए जो हमें पढ़ना है वो है पावर ट्रांसमिशन। और पावर ट्रांसमिशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको पता चलेगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अगेन मैं बोलूँगा कि ये भी एक डेरिवेटिव टाइप का यूनिट है और आपको उतने ही सिलेबस को उतना पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है जिसे हम STM और बोलते हैं, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें
जो मटेरियल्स हमने बनाए थे यूनिट नंबर 2 में और उनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के स्ट्रेंथ को यहाँ मेज़र किया जाता है। और स्ट्रक्चर्स के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ ज़रूर बनाने पड़ेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशंस भी हैं कुछ, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, आप ज़रूर लास्ट का जो 3 यूनिट है, ये तीनों यूनिट थोड़े से डेरिवेटिव टाइप के यूनिट है, तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत डेरिवेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले फिजिक्स की क्लासेस में। और थर्मोडायनेमिक जो है, थर्म का मतलब होता है कि हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड है। और थर्मोडायनेमिक्स, उसका डायनेमिक को हमको, उसके चेंज को हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो होगा वो आपको ऊष्मा से रिलेटेड सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ प्रोवाइड कराएगा। तो अगर हम पूरे के पूरे सिलेबस की बात करें, नेम ऑफ द यूनिट्स में अगर हम देखें, और इन पूरे यूनिट्स में अगर देखेंगे तो हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और इन 8 चैप्टर्स में आपको 4 ऐसे चैप्टर मैं बताता हूँ जो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं। केवल आपको थ्योरी लिखना है और कुछ एक क्वेश्चंस में आपको डायग्राम उसके बनाने हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको 101% आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। तो यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर की बात करें, तो ये चैप्टर्स जो हैं वो पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। लेकिन फिफ्थ चैप्टर में आपको डायग्राम्स भी वहाँ बनाना ज़रूरी है। अगर फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ की बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़े आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे। और डेरिवेशंस जो होंगे वो आप ईजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो अब जो हमें ये टॉपिक जो देखना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, दैट इज़ यूनिट नंबर 1। तो आप सभी पहले आज जो काम करेंगे वो है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। उसे आप अपने मोबाइल्स में या फिर आप अपने ऐसे जगह रखिए जहाँ पर आप पढ़ने में आपको आसानी हो सके। और एक बार आज जो मैंने आपको बताया पूरे सिलेबस के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, उन चैप्टर्स को एक बार आप केवल रीड करके रख लीजिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। क्योंकि ये तो मैं नाम बताया, उसके अलावा आपको पूरे टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप सभी यूनिट 1 के सिलेबस को पढ़ के रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको सिलेबस डाउनलोड करके रख लेना है। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ योर टॉपिक्स वो बताता चलूँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और आगे भी आप इसी तरह से ज्वाइन होइए इस वीडियो को जो आपको बना के दिया जा रहा है लेक्चर के फॉर्म में। ये सारे वीडियोस इम्पॉर्टेंट है। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने देखा, नेक्स्ट लेक्चर से हम इनके जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।